तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन ऐसी थेरेपीज जिनको अगर आप जिंदगी भर के लिए फॉलो कर लेंगे तो आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपकी हड्डियाँ, आपके दांत, आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी ओवरऑल हेल्थ, ट्रस्ट मी, इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप मुझे याद करते रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सन थेरेपी, जो अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और इस टाइम पे आपको सन थेरेपी जरूर जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको भी हड्डियों की कमजोरी है, विटामिन डी की आप कैप्सूल्स इनटेक करते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, या आपको मांसपेशियों में सूजन की तकलीफ है, आपके मांसपेशियों में ब्लड क्लॉट जम चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको धूप जरूर लेनी चाहिए। सुबह की पहली धूप यानी जब सूरज उगता है 15 मिनट आप बिल्कुल सफेद कपड़ों में धूप जरूर लें। ये वाली धूप आपको टैनिंग नहीं करेगी बल्कि आपके शरीर में विटामिन डी की जो कमी हो रही है उसको पूरा करेगी। दूसरी चीज, आपकी स्किन पर जितने भी पिंपल्स, एक्ने हैं, जितनी भी एलर्जीज हो रही हैं, जितने भी बैक्टीरिया आपके शरीर में पनप रहे हैं उसको ये किल करेगी। तीसरी चीज, आपके डाइजेशन को इतना अच्छा बूस्ट कर देगी, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपको सारा खाना खाया हुआ एकदम से पचना शुरू हो गया है और आपका जो वजन बढ़ रहा था वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला बेनिफिट, आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाएगी। जैसे आप अपनी आंखों से सूरज देवता को देखते रहेंगे एक तक, तो आप नोटिस करेंगे कि इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन सुबह की पहली धूप की बात कर रही हूँ मैं, पूरे दिन की धूप की बात नहीं कर रही हूँ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी दूसरी थेरेपी की तरफ। दूसरी थेरेपी है हमारी नेवल थेरेपी। आप तो जानते ही हैं आपकी नाभि यानी नेवल आपके पूरे शरीर का केंद्र बिंदु होती है। अगर इस केंद्र बिंदु को हम ठीक रख लें तो आपका शरीर बिल्कुल भी नहीं बिगड़ सकता। सबसे पहले आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले 3 से 4 बूंदे सरसों के तेल की या फिर कोकोनट ऑयल की, किसी भी तेल की, आपने अपने नाभि में डाल लेनी है और अच्छे से कम आपने 1 मिनट तक मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। ऐसा करने से क्या होगा, खट्टे डकारों की प्रॉब्लम, फैट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा दुर्बल है, मतलब बिल्कुल आपको खाना आपके शरीर पे लगता नहीं है, लगना शुरू हो जाएगा। अगर फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर आप इसको जैसे करेंगे तो आपका डाइजेशन बूस्ट होगा, तो जो भी आप खा रहे हैं, जो आपके शरीर में सड़ रहा था वो पचना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपके अंदर से बॉडी को डिटॉक्स करेगा, जितने भी आपके वेस्ट टॉक्सिंस हैं वो सारे फ्लश आउट हो जाएंगे, आपका शरीर एकदम साफ रहेगा, तो फेस पे ग्लो रहेगा, बाल आपके सुंदर रहेंगे, आपको कोई भी जो वात की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, यानी आपका जो वात, कफ, पित्त, ये तीनों का दोष जो बिगड़ जाता है वो बैलेंस रहना शुरू हो जाएगा, हड्डियों में दर्द, सूजन, ये सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। तो इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थेरेपी की तरफ। नेक्स्ट मेरी थेरेपी है सुपर फूड थेरेपी। जी हाँ, हम जो रोजमर्रा में अपनी जिंदगी में जो भी चीजें खाते हैं, चाहे वो हेल्दी हो, लेकिन वो हमारा शरीर उसको ठीक से पचा नहीं पाता, उससे पूरा पोषण हमें नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं और उनकी वीकनेस से हमारे हड्डियों में दर्द, सूजन, हमें थकान रहती है पूरा दिन, एनेमिक हम हो जाते हैं, खून की कमी होती है, फेस डल पड़ने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं और हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठा होने लग जाती है, यानी टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ऐसे में आपको अपनी डाइट में सुपर फूड को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो मैं यूज करती हूँ स्नोवा का ऑर्गेनिक स्पिरुनेला। स्पिरुनेला सबसे बेस्ट सुपर फूड है। WHO ने भी इसको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सुपर फूड माना है। क्यों माना है, अब आप देख लीजिए, जो ये है स्पिरुनेला, इसमें 60% प्रोटीन है। प्रोटीन आपको पता ही है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बॉडी में से फैट को खत्म करके मसल बिल्ड करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके लिवर पे फैट ना आए, कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है, 10+ इसमें विटामिंस हैं। विटामिंस क्या करता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके फेस का ग्लो बढ़ाता है, आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ठीक है, आपके शरीर में खून का दौरा अच्छा करता है यानी ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट करता है, साथ ही साथ क्या करता है, ये आपके हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में सूजन की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें सोया से ज्यादा प्रोटीन होता है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। अब जान लेते हैं इसको कौन कौन लेता है। देखिए,
आपने तो सुना ही होगा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस पे जाते हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी बॉडी को नहीं मिल पाती है खाने से, बहुत खाने की कमी होती है। तो वो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी स्पिरुलिना को अपने साथ कैरी करते हैं, और आजकल तो रामदेव बाबा भी इस बात को प्रचार करते फिर रहे हैं कि स्पिरुलिना बहुत बेस्ट और सुपर फूड है। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने कोई भी स्पिरुलिना लेना है कि हमेशा वो ऑर्गेनिक हो, ठीक है। अब जान लेते हैं किसको नहीं लेना। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या ब्रेस्ट फीड मदर हैं, तो एक बार अपने गायनेक से कंफर्म करें। अदरवाइज आप किसी भी बीमारी में इसको ले सकते हैं, किसी भी एज में ले सकते हैं। ये आपको किसी भी शॉप से नहीं मिलेगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब जान लेते हैं इसको लेना कैसे है, इसका क्या है सही तरीका। तो इस तरीके का एक बॉक्स निकलेगा इसके अंदर से, ठीक है, और इसमें 60 जो है कैप्सूल्स हैं, तो मतलब ये छोटी सी डब्बी ना आपके पोषक तत्वों से भरपूर है, भरी हुई है, मतलब आपके शरीर की हेल्थ का बहुत बढ़िया खजाना है जैसे मैं कहूंगी। तो आपको इस खजाने को जरूर इंटेक करना चाहिए। जैसे आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं तो डेफिनेटली सुपर फूड को भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। इसके अंदर इस तरीके के कैप्सूल्स आते हैं ग्रीन कलर के, तो आपको दो कैप्सूल्स लेने हैं। एक आपने लेना है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के 45 मिनट्स बाद नॉर्मल वाटर से, और एक कैप्सूल आपने इसका लेना है डिनर के 45 मिनट्स बाद, ठीक है, नॉर्मल वाटर से, या आप लुकवॉर्म ले सकते हैं या नॉर्मल वाटर से इनटेक कर सकते हैं। दो कैप्सूल्स आप इसके इनटेक जरूर करें। तो चलिए मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं इसको 1.5 ईयर से इनटेक कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके। मेरी फैमिली में बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो मुझे लगा कि मेरी इस यूट्यूब फैमिली में और लोग नए जुड़ गए हैं, तो मुझे उन लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस। गाइस, आपको इनमें से कौन सी वाली थेरेपी सबसे ज्यादा पसंद आई और आप कौन सी अजमाने वाले हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार करूंगी। यूट्यूब के साथ साथ आप मुझे इंस्टा पे भी अपना बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishramehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।